हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ज्योग्राफी के ऊपर, जो कि इससे पहले मैं वीडियो बनाया था, 20 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। उससे अगला वीडियो है इसी से रिलेटेड, और जिस दिन 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरे कम्प्लीट, उस सारे सारे वीडियो का जो PDF होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास इसी तरह से डेली पहुंचते रहें। चलिए हम क्वेश्चन बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी कि 21st नंबर क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हैं कंप्लीटेड, और वैसे अगर आप सीरीज देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड मैं 74 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में है। स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट का लास्ट में मिल जाएगा डिटेल, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। 21st क्वेश्चन इसमें जो है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि कहाँ पर बना हुआ है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जियोग्राफी से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि एक पार्टिकुलर प्लेस पर है, एक पार्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी है, तो ये कहाँ पर, ये है कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 नंबर का। जो फ्रांस की राजधानी है, आप जानते हैं कि पेरिस है। पेरिस एक बहुत ही फैशन हब भी है, वर्ल्ड में फैशन हब के नाम से भी जाना जाता है पेरिस, और बहुत सारे वहाँ पे, एक तो एफिल टावर जो वहाँ पे बना हुआ है वो भी फेमस है ही, और साथ में टूरिस्ट का एक बहुत ही अच्छा प्लेस भी है। तो जो पेरिस है वो पेरिस किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यानी किस नदी के किनारे पर स्थित है पेरिस, ये है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है पेरिस। क्वेश्चन नंबर 23, गणेश शंकर विद्यार्थी जी किस राज्य से संबंधित थे। ये टोटली संबंधित थे वो थे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है इनका एरिया, जहां आपके रहने वाले थे। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश के, गणेश शंकर विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, यानी कितने नंबर पर है, ये आपको बताना है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखते हैं तो भारत में का जो स्थान है वह 7वां स्थान, यानी 7th प्लेस पर है पूरी दुनिया में भारत, इन टर्म्स ऑफ द एरिया, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 25, जो हरदोई में सैंडी नेशनल पार्क है बना हुआ है, जो सैंडी नेशनल पार्क या सैंडी नेशनल पार्क, कई जगह इस तरह लिखा हुआ है, कई जगह सैंडी नेशनल पार्क है, तो ये जो पार्क हरदोई में स्थित है उत्तर प्रदेश, जो कि लखनऊ डिवीजन में आता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको ईयर याद होना चाहिए, ये 1990 में हुई थी, यानी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 26, कि सबसे ज़्यादा संगमरमर का काम उत्तर प्रदेश में किस जिले में होता है, यानी दो जिले हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होते हैं दो जगह ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं इन टर्म्स ऑफ द संगमरमर। अगर आप मिर्ज़ापुर देखते हैं, जो कि एरिया पड़ता है वाराणसी के पास पड़ता है मिर्ज़ापुर, और यहाँ पे एक टेंपल भी है जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है मिर्ज़ापुर की। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कि राजा जी राष्ट्रीय जो उद्यान है, यानी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है, वो है देहरादून में। अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देहरादून में मोस्टली नेशनल पार्क तो है ही, लेकिन ये नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, कि हरिद्वार में जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, ये स्थित है हरिद्वार में, तो ये आपको बताना है किस जगह है, ये हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, और यहाँ के जो फेमस पर्सन हैं, जैसे आप जानते हैं इस यूनिवर्सिटी से बाबा रामदेव जो कि योग गुरु हैं, और उन्होंने ही वर्ल्ड योग डे का प्राविधान दिया था, यानी उनके जरिए ही इसको प्राथमिकता मिली थी, तो उन्होंने भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, चूँकि उनको नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया था वो यहीं से किया था, गुरुकुल है, ये गिरिकुल नहीं है, गुरुकुल है, ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ये हरिद्वार में है। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली में सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यानी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम है चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, ये थे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली।
चाणक्य के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये जो स्थापना हुई है ये 2008-6 में हुई थी। चाणक्य जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ये की जो स्थापना हुई है 2006 में हुई है, जो कि ये पटना में है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 31, जयप्रकाश नारायण जी किस संस्थान से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जी संबंधित थे छपरा से। छपरा कहाँ पर है? यह है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 32, कि हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? वैसे जो अमृतसर का गुरुद्वारा उसका भी नाम यही है, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो पटना से शुरुआत होती है, उसका नाम है तख्त श्री पटना साहिब, या इसको इस समय जो नाम जाना जाता है वो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व जल डे कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो मेन काम है इस डे का वो है प्रोटेक्शन, यानी कि कंजर्वेट करना, जल को ज़्यादा ज़्यादा संरक्षित करना, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए पानी आसानी से मिल सके, स्पेशली फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, पीने का पानी, क्योंकि वैसे पानी तो बहुत सारे हैं, समुद्र पूरा पानी से भरा हुआ है, तो लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्वांटिटी कम है, तो कम कंज्यूम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 34, कि मलेशिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है, यानी कहाँ पर है मलेशिया की राजधानी? मलेशिया की जो राजधानी है वह कुआलालंपुर, बहुत ही फेमस प्लेस है ये कुआलालंपुर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि मोदी जी ने सौभाग्य योजना की शुरुआत कब किया था? सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी वो सितंबर 2017 में हुई थी, बट डेट क्या है? 25 सितंबर 2017। वैसे स्पेशली आपसे ईयर ही पूछा जाएगा कि 2017 या सितंबर मंथ पूछ लिया जाएगा, डेट तो बहुत ही रेयर पूछा जाता है कोई भी योजना के लिए, स्पेशली मंथ एंड ईयर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में, WHO का भी जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 का, कि बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था वो बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? आपको केवल ईयर बताना है, वो हुआ था 1928 में। किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल नेशनल पार्क में है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर ज़्यादातर उसके जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो नेशनल पार्क में कवर है? वो है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो भूमि है वो नेशनल पार्क में कवर है। क्वेश्चन नंबर 39, हंगरी की राजधानी का क्या नाम है? हंगरी की जो राजधानी यानी कैपिटल है वो है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट है हंगरी की कैपिटल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कि सर्बिया की मुद्रा कौन सी है? सर्बिया की मुद्रा है दिनार। वैसे आप जानते हैं कि दिनार जो मुद्रा करेंसी है बहुत ही महंगी करेंसी है, वेरी कॉस्टली है, यानी इंडिया का की अपेक्षा अगर हम कंपेयर करते हैं तो यह पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी जो मुद्रा होती है वह है दिनार। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट है ये। 100 क्वेश्चन जैसे कंप्लीट होंगे इस PDF का, आपको वीडियो अगला इसे PDF भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस सीरीज के। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश पुलिस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।